अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौसम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है गदर 2 इन सिनेमास 14 अगस्त, सनी देओल, अमीषा पटेल। तो बड़ी रिकमेंडेड वीडियो भाई साहब, काफी हंसते से आ रहे हैं। हालांकि ये टीजर तो बहुत पुराना हो गया है, देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं वीडियो वाले वीडियो स्टार? चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब, ये पहली जो मूवी आई थी उसको तो कई साल गुजर गए, और फिल्म भी भाई वो होती तो थोड़ा सा पाकिस्तान के खिलाफ ही है। नहीं, सनी देओल को काम ही यही है, पाकिस्तान के खिलाफ ही फिल्म बनाते हैं ना, है ना। हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ। चल देख लिए, इतनी ज्यादा तो नहीं है। वो एक और भी मूवी थी ना जिसमें वो गाना है, एक दिल में है प्यार तेरा होठों के गीत हुआ, उसमें भी है वो एजेंट बने होते हैं। हाँ, इस तरह करके है कुछ, वो उसमें प्रीति जिंटा होती है। तो अक्सर जो इस तरह की आर्मी वाली हो गई या जंग वाली हो गई, साफ जा रहा ISI और पाकिस्तानी आर्मी, उसको मकार दिखाया जाता है कि ये बस साजिश करते हैं। साजिश तो भाई साहब सारे ही करते हैं, जिसका हाथ चढ़ जाता है ना कोई माफी नहीं देता। हमसे कोई कम नहीं करता होगा, हैं? हम पाकिस्तानी मुसलमानों से कोई कम नहीं करता होगा साजिश या गद्दारी। कोशिश तो बहुत की, उल्टा अपने गनवाया है, ये बात है। गनवाया क्या मतलब? गवाया, वो गवाया बोल दो, गनवाया क्या मतलब? अजीबो गरीब करता है ना, ये अजीबो गरीब ही वर्ड को निकाल लेता है। मैं तो कहता हूँ इसको कोई, मैं कहता हूँ कोई पुरस्कार मिलना चाहिए, कोई बड़ा वर्ड स्पेशल, क्योंकि कोई ऐसे लोग होते हैं ना कि जो दुनिया में एक नया चीज इजाद करते हैं, तो ये नए नए वर्ड इजाद करता रहता है। मैं तो इसके वर्ड लिख कर एक डिक्शनरी बनाऊंगा उसको अच्छे से, फिर एक्सप्लेन। जो मर्जी पढ़ाता रहे वो बात ही बात है, असल बात है। मुद्दे पर आओ, इलाका कौन सा गवाया है हमने? कौन, कश्मीर का कुछ इलाका नहीं हमने उनको दिया? कुछ 3-4 गाँव गवाए थे। अच्छा अच्छा, कुछ पहले शुरुआत में पाकिस्तान के साथ है, बाद में जंग हुई, कुछ ये इलाका कुछ लिए थे, ज्यादा देने पड़े थे। ऐसी 1965 की जंग जब हुई थी उस वक्त भी कुछ इलाके पाकिस्तान ने गवाए थे, ज्यादा गवाया था, थोड़ा कब्जाया था। कुछ कब्जाया भी था पाकिस्तान ने, कुछ गवाया भी था, तो फिर वो वापस हो गए। तो अगर इंटरनेट पे सर्च करें तो वो कहते हैं कि विक्ट्री जो है दोनों तरफ से मनाई गई, लेकिन मकसद तो ये होता है कि बंदा कोई जंग शुरुआत करता है और उसका एक मकसद होता है कि मैंने ये चीज जो है वो कब्जानी है। जंग शुरुआत होगी वो कब्जा ही नहीं, तो मतलब ये कि भाई इस मामले में फेल हो गया, हार गया, ऐसे ही मतलब होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो पाकिस्तान ने जिस मकसद के लिए जंग अच्छा शुरू की, गाना है इसके अंदर परदेसी तेरी मेरी एक जिंदगी, क्या वो पाकिस्तानी है? वो लाहौर को बोल रहे हैं घर। भाई साहब, ये वो लड़की जिससे तारा सिंह की शादी होती है वो पाकिस्तानी होती है, मुस्लिम होती है। अच्छा अच्छा, हाँ, मैंने तो वो मूवी देखी नहीं। शादी हो जाती है ना, तो ये जो कब्र पे लास्ट सीन में रो रहे थे, दुखी हो गए,
मेरे ख्याल में उनकी डेथ हो गई होगी। अमीषा पटेल थी पिछली मूवी में, इसमें देखते हैं कि कौन है, शायद वही होगी। मैंने उनकी दो तीन वीडियो देखी तो वो तो काफी बूढ़ी लग रही थी। सनी देओल तो चलो बूढ़े तो हैं लेकिन लगते तगड़े हैं भाई साहब, बंदे जान वाला लगता है बंदा। इसकी इनकी पुरानी मूवी देख रहे वो कातिया वाली है, असल में उस दौर के मूवी तो बहुत कमाल थी ना। सनी देओल का मुकाबले में मूवी वालों पुराने जख्मों पर ये फिर से नमक लगेगा कोई। हाँ ये तो है, मूवी है मूवी के अंदर की देखो कौन कमजोर है कोई। ये वो दौर चले गए, वो जमाना चला गया जब जब ये होते एक बात है को कमजोरने की कोशिश की। एक बात है मौजम भाई, मैंने वो मेंशन करना चाहूंगा, पहले जो मूवीज होती थी ना वो थोड़ा सा ना कोई किसी चीज का ना पॉजिटिव चीज भी दिखाती थी जी। कोई ओला रख लेती थी कि वो ज्यादा जो है ना गहराई में नहीं जाती थी, थोड़ा थोड़ा ना वो उधर का भी बचा लेती थी, कोई इधर का भी बचा लेती। अब वो चीज जो है ना वो नहीं, वो तो वो गाना भी था पर्दे में रहने दो पर्दा जो उठ गया खुल जाएगी सारी बात। अब तो भाई साहब वो माहौल ही नहीं, अब तो भाई सारे पर्दे ही हटा देते हैं, कहते हैं भाई खुला देखो माहौल, ये होता था ये नहीं होता था, तो सारी जो है वो जो लिमिट थी वो अब जो है वो क्रॉस हो जाती है मूवी में, ऐसा देखने को मिल रहा है काफी पिछली मूवी से, है ना। लफ्ज सुने जा रहे थे वो पाकिस्तान का दामाद है और दहेज में लाहौर ले जाएगा पहला। हाँ सुना सिर्फ लाहौर यार, फैसलाबाद भी ले, फैसलाबाद भी ले, अपनी बहुत तंग है इधर यार हमें अलग से वो बांध के रख दो और सुबह दो जूते लगाओ दो शाम को लगाओ, ऐसा वाला माहौल मत करना हमें भाई। आजादी अपने साथ आजादी तक घूमने देना भाई, कभी सारे देना जो दूसरों को मिल रहे। हाँ कभी ऐसा, कभी हम दिल्ली जाए कभी मुंबई जाए कभी कश्मीर जाए, आजादी से घूमे इधर तो आजादी से घूमे। ऐसा ना कि भाई साहब हमको इधर बांध देगा कि ये जी दहरा है ये फैसलाबादी जो है फैसलाबाद से निकलेंगे नहीं ये लाहौर है ये लाहौरी है इधर से नहीं निकलेंगे, ऐसा पूरे हिंदुस्तान के अंदर गंद ना फैलाए। नहीं हम नहीं कानून को भाई फॉलो करेंगे अच्छे से। फिर वो लाहौर लेना क्यों चाहते हैं, लाहौर इसलिए ऑफर कर रहे हैं भाई साहब, फैसलाबाद भी ले रहे हैं फ्री में दे रहे हैं भाई साहब, उनको एडवाइस कर रहे हैं भाई साहब हमें भी ले लो, बहुत इधर दुखी है बहुत तंग है और जिंदगी अजीब है। आपको फायदा भी होगा वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत कमाल की है, अगर आप इसको बिजली देंगे तो भाई साहब इंडिया और भी ज्यादा तरक्की कर सकता है, आपकी इकॉनमी ज्यादा बढ़ जाए, बिल्कुल हो सकता है, ये ख्वाब आपके पूरे हो सकते हैं। ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है भाई, इसको भी वो अलग बात है की हमें बिजली नहीं मुहैया की जाती यार। वो मेरा बाबू काम करता वो बोलते हैं 15-15, 14-14 घंटे काम किया जाता है, वो बोलते हैं भाई साहब करना है तो करो वरना निकल जाओ हम और किसी को रख लेंगे, 8 घंटे ड्यूटी है 15-15 घंटे देते हैं और ऊपर जो है ना वो पैसे भी नहीं पे करते। ये तो फिर ज्यादती है, ज्यादती है भाई साहब, मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। वो बोलते भाई साहब मैं निकल जाओ किसी और काम ले लेंगे क्योंकि आधी मिले फैक्ट्री दबाने पड़ी आधे पोर्शन उसके जो है उसको जबरदस्ती किया जा रहा है, मजबूर लोगों की मजबूरी से फायदा उठाया जा रहा है भाई साहब। ये ऐसी सिचुएशन तो ठीक है भाई, तारा सिंह जब आएगा ये जंगी माहौल दिखाया जाएगा, इसमें मार काट काफी दिखाई जाएगी भाई साहब, ओरिजिनल में तो जंग का माहौल है, फिल्मों में भी दिखाई दिए जाएगा। 1971 वाला माहौल दिखाया जाएगा वो तो भाई साहब और भी ज्यादा खतरनाक था। अब देखते हैं मूवी कैसी होगी, देखनी पड़ेगी, लेकिन अफसोस हमारे पास मूवी चलती नहीं है, वो जब घिस पिट जाती है ना वो पुरानी हो जाती है, इंडिया में पुरानी हो जाती है, उस वक्त पाकिस्तान में नहीं आती है, बिल्कुल ऐसे। तो ठीक है भाई अपनी राय रुकता है कमेंट सेक्शन में, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।